हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक गुप्ता एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट पर्सनल केयर एंड क्लीनलीनेस। एंड अंडर दिस टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेज टू टेक केयर ऑफ आईज। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद अ स्मॉल टास्क। यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड वॉक टू द डोर ऑफ योर रूम। नाउ टेल मी, वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट? ये आपके लिए ईजी था या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट? वॉट वर यू फीलिंग वैन योर आइज़ वर क्लोज्ड? और आप क्या फील कर रहे थे जब आपकी आँखें बंद थीं? एंड वॉट कांट यू डू इफ़ यू कैन नॉट सी? अगर आप देख नहीं पाओगे तो आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाओगे? सो आई थिंक इट वॉज डिफ़िकल्ट एज आर आइज़ वर क्लोज्ड। आर आइज़ हेल्प अस टू वॉक सेफली। We won't be able to find our clothes, books and shoes. We would not know when to cross the road and we won't be able to see TV if our eyes are hurt and we cannot see. So we can say that it is important to take care of our eyes. तो जैसा कि मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको अपनी आँखों को बंद करके आपके रूम के गेट तक वॉक करते हुए जाना था, तो आई होप ये आपके लिए ईजी नहीं रहा होगा। इट वॉज़ टू डिफ़िकल्ट बिकॉज हमारी जो आँखें थीं वो क्लोज थीं, और हमारी जो आँखें होती हैं वो हमको सेफली वॉक करने में हेल्प करती हैं। अगर हम लोगों की आँखें नहीं होंगी या हम लोग देख नहीं पाएंगे तो हम लोग बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकते। लाइक हम लोग स्कूल आते टाइम अपने क्लोथ्स को नहीं ढूंढ सकते, हम लोग अपने बुक्स एंड शूज़ को नहीं ढूंढ पाएंगे कहाँ पर रख रखी हैं हम लोगों ने वो। And we also would not know when to cross the road and we would not be able to see the TV. हम लोग रोड भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे और हम लोग टीवी भी नहीं देख पाएंगे। हमारे जो फेवरेट कार्टून्स वगैरह होते हैं वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। और कब नहीं देख पाएंगे हम इन चीज़ों को? जब हमारी आँखें या तो हर्ट हो गई हों या फिर हमारी आईज़ जो हैं वो कुछ भी देखने के लिए बिल्कुल अनेबल हो जाएं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आईज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आर आईज़। So now we will discuss about what are some ways by which our eyes can get hurt and stop functioning properly. How can we take good care of our eyes? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम अपनी आँखों को हर्ट होने से बचा सकते हैं और उनकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं। So here I have some pictures for you and we will discuss about what is happening in each of the picture and how can these things or actions hurt our eyes. So now let's move to our first picture. In this picture the girl has dust in her eyes and she is rubbing her eyes. इस picture में क्या हो रहा है? एक girl है जिसके आँखों में क्या हो गई है? Dust चली गई है और वो अपनी आँखों को rub कर रही है। Is this good? Yes, this is not good for the eyes as the dirt can scratch the eyes. क्योंकि जो हमारी आँखों में dirt गई है उसको जब हम rub करते हैं तो उस dirt के जो particles होते हैं उससे हमारी eyes पर भी scratches आ सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? We should wash our eyes with water. अगर हम लोगों के साथ कोई ऐसा केस हो जाता है कि जब हमारी आँखों में डस्ट चली गई तो हम लोगों को अपनी आँखों को वाटर से वॉश कर लेना चाहिए। एंड सेम एज इस गर्ल को भी करना चाहिए, शी शुड वॉश हर आइज़ विद वाटर। नाउ इन दिस पिक्चर द गर्ल हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? ये जो गर्ल है ये बहुत ही लॉन्ग टाइम से टीवी को देख रही है। दिस कैन हर्ट द आइज़, ये इस लड़की की आँखों को हर्ट कर सकता है। तो इसको क्या करना चाहिए अब? सो आई थिंक शी शुड गो आउट एंड प्ले। मेरे ख्याल से इसको अब टीवी के सामने से हट जाना चाहिए और थोड़ी देर के लिए खेल लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? बिकॉज जब आप लंबे टाइम तक टीवी देखते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं करते हैं, एक जगह फोकस होकर नज़र टिकाए रहते हैं, जिससे कि हमारी आइज़ जो होती हैं वो हर्ट हो जाती हैं और हमारे सर में इससे दर्द होने लगता है। Now in this picture the boy is making a face at the vegetable and does not want to eat them. इस picture में क्या हो रहा है? ये जो boy है ये vegetables को खाना नहीं चाहता है, इसलिए ये वहाँ बैठा बैठा मुँह बना रहा है। He should eat vegetables as these are good for the eyes. Now let's talk about our next picture. In this picture the boy is going out to play wearing a cap. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? ये जो बॉय है ये बाहर खेलने जा रहा है, लेकिन क्या करके जा रहा है? एक कैप को पहनकर। इज़ इट गुड और नॉट? यस, दिस इज़ गुड एज इट
स्टॉप सनलाइट फ्रॉम गेटिंग इनटू द आइज़, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारी आइज़ में डायरेक्ट सनलाइट को जाने से रोकती है, जिससे कि हमारी आँखें हर्ट नहीं होती हैं और वो हेल्दी रहती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर आइज़ हेल्दी एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज़। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 5 मेन वेज टू टेक केयर ऑफ योर आइज़। सो वी शुड नॉट रब अवर आइज़ व्हेन डस्ट गेट्स इनटू देम। हमको अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए जब हमारी आँखों में धूल चली जाती है। इंस्टेड वी शुड वॉश देम विद वाटर। इसके अलावा हमको क्या कर लेना चाहिए, हमें उससे वाटर से धो लेना चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें ज़्यादा टाइम तक टीवी नहीं देखना चाहिए। एंड वी शुड ईट कैरेट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि इनसे हमको क्या मिलते हैं, अलग अलग तरीके के विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारी आईसाइट के लिए अच्छे होते हैं। एंड वी शुड ऑल्सो वियर अ कैप वैन गोइंग आउट टू प्ले इन सन। और जब भी हम बाहर धूप में खेलने जाएँ तो हमें वहाँ पर कैप पहन कर जाना चाहिए। एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए जो कि 7 to 8 hours होते हैं इन 24 hours, जिससे कि हमारी आइज़ जो हैं वो हेल्दी रहती हैं और हमको सर में दर्द वगैरह नहीं होता है। नाउ इमेजिन यू हैव बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट कैन यू डू सो दैट योर आइज़ डोंट हर्ट। आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपकी जो आँखें हैं वो हर्ट ना हों। तो इन सच सिचुएशन यू कैन ब्लिंक योर आइज़ फॉर 10 to 15 times, इट विल गिव यू अ सडन रिलैक्स। आप अपनी आइज़ को 10 से 15 बार ब्लिंक कर सकते हैं, ये आपको एक सडन रिलैक्स प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि अगर आपकी आंखें थक चुकी होंगी, हर्ट होने वाली होंगी, तो आपको उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वी आर कवरिंग, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़। और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें अपनी आंखों की केयर किस तरीके से करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड यू हैव अंडरस्टूड द लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस सब्सक्राइब आवर चैनल अभिषेक अकेडमिक्स। थैंक यू।